Hi viewers, Assalamualaikum. आज हम आपको बताने जा रहे हैं छाछ फुल्की मेरे स्टाइल से. मैंने देखो एक किलो दही लियो अमूल मस्ती का, ठीक है. पहले हम दही को इसमें डालेंगे. देखो हमने दही डाल दिए. इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो आपको बताती हूँ. मुझे 1 कप मैंने शुगर लियो. अब मैं तेल अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालूंगी. मुझे खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए. ब्लैक सॉल्ट लियो और नॉर्मल सॉल्ट लियो, ठीक है. ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम. मैं 1 किलो दही में कोशिश करूँगी 4 टेबलस्पून ही दाल लगे, लेकिन उसके बाद मैं चेक करती हूँ. इसके अंदर नॉर्मल सॉल्ट, हाँ, और ये ब्लैक पेपर, सॉरी ब्लैक ब्लैक सॉल्ट, हाँ, काला नमक थोड़ा ज़्यादा है. और इसको हम बीटर से बीट कर लेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे. पहले फर्स्ट स्टेप ये है छाछ फुल्की का. उसके बाद इसकी फुल्की बनाने का वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. और थर्ड स्टेप बघारे, जो मैं आपको 1 by 1 बताती हूँ. इसीलिए मैं पहले ये स्टेप करके मैं फ्रीज़र में डाल दूँ, ताकि हमको छाछ फुल्की एकदम ठंडी चाहिए, एकदम ठंडी. बहुत मज़े की लगती है ये. देखो अब इसमें कम से कम हाफ से भी ज़्यादा वाटर डाल दूँगी, क्योंकि हमको ये दही बड़े के जैसा गाढ़ा दही नहीं चाहिए. हमको ये छाछ फुल्की बना रहे हैं हम, तो हमको पतला चाहिए. ये भी गाढ़ा है और हम पतला करेंगे, ठीक है. ये हमारा 1 किलो दही है, तो उसमें शायद मेरे को 1 लीटर पानी लग गया. देखो बराबर 1 लीटर का जगह मैंने पूरा पानी डाल दिया आपके सामने. अभी हम इसको चेक करेंगे. ये देखो ये बराबर हमारा छाछ फुल्की वाला दही तैयार हो गया, एकदम रेडी है ये. क्या अभी हम इसके अंदर थोड़े, हमको मुझे ऐसा लग रहा है कि शुगर थोड़ी कम है, तो ये देखो मैंने इन्हें 1 किलो दही और 1 लीटर वाटर में 5 टेबलस्पून शुगर डाल चुकी हूँ. अभी इससे क्या होगा, थोड़ा दही की खट्टास, शक्कर की मिठास और थोड़ा नमकीन, बहुत अच्छा टेस्ट आता है. जैसे ब्लैक सॉल्ट और नमक जो नॉर्मल सॉल्ट है वो हमको देख के डालना है. और हमने अभी उसमें शुगर की मिठास डाल दी और दही का खट्टास है, थोड़ा सी सापना है ना, सार है दही, तो सब चीज़ मिलकर बहुत अच्छा हो जाता है, खट्टा मीठा और नमकीन. ऐसे दही फुल्की बहुत अच्छी बनती है, एकदम टेस्टी बनती है. अभी हम इसको फ्रीज़र में रख देते, ठीक है. आपको इसके आगे का स्टेप बता दें. इसको फ्रीज़र में रखते हैं. हमने पहला स्टेप आपको बता दिए, दही बनाकर फ्रीज़र में रख दिया. अब सेकेंड स्टेप आपको बता रहे हैं. अभी हम फुल्की का की बनाएंगे बेसन की. अभी आपके इधर कितना बेसन चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 7 टेबलस्पून बेसन लूँगी. 7 टेबलस्पून का मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ. देखो 3, 4, 5, 6, 7. मुझे ऐसा लग रहा है कम है, तो मैं और 2 टेबलस्पून ले लूँगी, ठीक है. 8 और 9. अब इसके अंदर मैं हाफ ऑनियन डालूँगी, सिर्फ हाफ, ज़्यादा नहीं, ठीक है. इसमें मैं हाफ ऑनियन डालूँगी. देखो एक प्याज मैंने काट कर रखी थी, मैंने आधी डाली. उसके लिए हमको मसाले चाहिए, 1 पिंच खाने का सोडा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून और नॉर्मल सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है. क्योंकि हमने दही में भी सॉल्ट डाले, लेकिन हम इसमें मसाले में डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है. 1 टीस्पून जितना ही डालेंगे. और ये सब मेजरमेंट से मैंने रखी हूँ, तो ये सब मैं मेजरमेंट के हिसाब से डाल रही हूँ, ठीक है. ये देखो अभी सबसे लास्ट में हम सोडा खार डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे. अभी हमको कैसा बनाना है, जैसे कि हम भजियों का घोल बनाते हैं उससे थोड़ा पतला, तो मैं वो हिसाब से डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी. पहले मैं मिक्स करके देखूँगी, आपको इसको ग्राइंड कर लेना है. मैं ग्राइंड करके आपको बताती हूँ, ठीक है, इसका घोल कैसा होना चाहिए. दी मेरा पेस्ट तैयार हो गया है. मुझे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए थी, कंसिस्ट
ठीक है, मुझे इस तरह का बैटर चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए, नमक भी डाल दिए, काला नमक भी डाल दिए, सब डाल दिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत कम पिंच 1/4 टीस्पून पिंच इतना सा बेकिंग सोडा डालेंगे, ठीक है। और अब इसको मिक्स करेंगे, कवर में भी है और मैंने अपने हाथ धो चुकी हूँ इसलिए हमेशा हाथ धोकर हमको काम करना है। पहले स्पून से इसको बीट कर लेना है, ठीक है। 2-3 टेबल स्पून दही लिए, इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दिए, इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दिए और क्या थोड़ा थोड़ा ही डालना है और इसको हम बीट कर रहे हैं अभी, इसलिए क्योंकि हमको इसका छाछ बनानी है। अभी हम इसमें क्या करेंगे कि जो वड़े फुल्की तलेंगे ना वो हम नॉर्मल पानी में नहीं सोक करेंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पानी में वाटर में सोक करते हैं ना तो फुल्की फिक्की रह जाती है, तो हम ये ऐसी छाछ बना कर इसमें सोक करेंगे। अभी ये सारे स्टेप्स आपको वन बाय वन मैं बताते ही जा रही हूँ। देखो अब ये हो गया, अब इसको मैं आप चाहे तो स्पून से भी छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी देना है हाँ फुल्की, ये देखो ऐसी, क्योंकि फुल्की फिर बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत मोटी मोटी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती, इसलिए फुल्की छोटी छोटी डालना है, थोड़ा दूर दूर डालना है और ऐसी छोटी छोटी डालना है, बस इतनी सारी फुल्की बन जाती है 7 टेबल स्पून में क्या पूछो मत। और फिर तो दही में जाकर भी वो फूल जाती है। आप मेरे तरीके से ये छाछ फुल्की बनाना, हमारे घर में तो बहुत पसंद है सबको, इसलिए मैं आज रोज़ों में बना रही हूँ, मगर ईद स्पेशल भी है, ये ईद के दिन भी बनाती हूँ, जब मुंह ख़राब हो जाता है शिरखुरमा मीठा खा के तो हम छाछ फुल्की ज़रूर बनाते हैं ताकि हमारा टेस्ट चेंज हो जाए थोड़ा। जो कितनी छुपत्ती पत्ती डाल रही हूँ मैं और वो कितनी फूल रही वो देखो खाली आती, इसलिए अगर आप लोग मोटी मोटी डालेंगे तो फिर बहुत मोटी हो जाएंगी। आप मेरा डालने का ये देखिए कि मैं कितना पतला करके डाल रही हूँ ऊपर से ताकि वो पतली गिरे एकदम, तो अभी कितनी मोटी मोटी हो रही है आप लोग देख रहे हैं ना, इसलिए कितनी सारी आपको डाल के बता दी, ये इतनी एक साथ बहुत सारी फुल्की डल के निकल जाती है हमारी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसमें से निकाल के हम पानी में नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, हाँ क्यों कि अगर हम ठंडा होने देंगे तो फुल्की सॉफ्ट रहेंगी। डायरेक्ट देखो कितनी फूल गई है ये, इसको डायरेक्ट निकाल के तेल से पानी में नहीं डालेंगे, एक अलग प्लेट में इसको रखेंगे और इसके बाद एक 5-7 मिनट्स के बाद ये ठंडी हो जाएंगी, 10 मिनट्स लास्ट टू लास्ट, तो उसके बाद हम इसको वाटर में डालेंगे। देखो हम सारी फुल्की को मैं पलट रही हूँ, देखें आप ये देखो सारी फुल्की पलट दी मैंने, हमने पलट दिए थे। अभी हम क्या करेंगे, नाइफ थोड़ा अंदर ये प्रिक करेंगे और इसको फिर से पलट देंगे, क्योंकि इतनी पतली डालने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मोटी हो चुकी है, तो ये एक अच्छी एक ट्रिक है कि अंदर तक वो पकने के लिए हम देखो नाइफ से इसको ये करके हर फुल्की को ऐसा बहुत ईजी काम है, प्रिक कर दिए और पलट दिए, प्रिक कर दिए और पलट दिए। पहले पहले कोई भी काम हम करते हैं ना तो हमको हार्ड लगता है, लेकिन फिर आदत हो जाती है वो। अभी आप देख रहे हैं ना मुझसे कितने जल्दी जल्दी हो रहा है, ऐसे जल्दी जल्दी एकदम आराम से फुल्की आपकी, इसीलिए इसका नाम छाछ फुल्की है, बहुत छोटी छोटी फुल्की रहती है इसके अंदर, हमको मोटी मोटी फुल्की नहीं डालना है, वड़े नहीं डालना है, सिर्फ फुल्की डालना है, ठीक है। ये देखो ये हो गया, अभी आपको हम प्लेट में निकाल के बता देते हैं और इसको ऐसा प्लेट में डाल के रख देना है। अभी हमने जो छाछ बनाए हैं उसमें हम नहीं डालेंगे, देखो ये आप बता रही हूँ मैं, इसमें अब हम नहीं डालेंगे, एक आफ्टर 7-10 मिनट्स के बाद ही डालेंगे जब ये ठंडी हो जाएंगी, जब तक हम सारी फुल्की तल के आपको बता देते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमारे जो फुल्की है ठंडी हो गई, अभी हम छाछ वाले पानी में इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे डाल देंगे, इसको थोड़ी देर सोक करके रखेंगे 2-5 मिनट्स ताकि अंदर सॉफ्ट हो जाए, लास्ट में निकाल रहे हैं। और आपको बताते हैं कि कितने सारे 7 टेबल स्पून में कितनी सारी फुल्की बनी वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। ये देखो ये थोड़े मेरे लाल हो गए, कोई बात नहीं, पानी में जाके ये बराबर हो जाएंगे, इसको हम यहाँ रखेंगे, जो फर्स्ट हमने बनाए थे उसको हमने पानी में भिगो के देखो ये तैयार कर लिया। अभी आपको बताने के लिए ये मैं कर रही हूँ, ये एक वड़ा लेना है हमको और ये फिंगर से
इसको ये हैंड पे रखना और ये फिंगर्स एकदम अच्छे से प्रेस करना है। इसके अंदर का जितना वाटर है सब निकल जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये देखो कितना सारा वाटर निकल गया ना। ये देखो, ये बड़ा हमारा फूटना भी नहीं चाहिए और एकदम सॉफ्ट वड़े बनते हैं। देख फुल्की एकदम सॉफ्ट बनती है, बार बार दही वड़ों की आदत है ना बोलने की, तो दही वड़े दही वड़े। ये फुल्की बहुत सॉफ्ट बनती है, मगर ऐसा ही छाछ का पानी बनाना और ऐसा बहुत टेस्टी बनते हैं। सब स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बता दी, आप लोग कोई बात से कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप लोग बनाना और मुझे बताना कमेंट्स में। और अभी तक अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज़ मिलते रहेंगी। और मेरे मैं जिस तरह का से बना रही हूँ ये दही छाछ फुल्की, आप बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर अच्छे बनते हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए, मेरे लाइक बटन को प्रेस कीजिए, है ना। कितने अच्छे से देखो सारा ऑयल भी निकल गया और ये वड़े एकदम नरम नरम हो गए। पर हमको पहले फ्राई करने के बाद 5 to 7 minutes या 10 minutes रखना है प्लेट में, उसके बाद हमको ये छाछ के पानी में डालना है, नहीं तो हमारे वड़े कड़क हो जाएंगे। देखो आपको मैं इधर बताती हूँ, ये देखो कितने सॉफ्ट है। देखो देखो आपको एक मैं तोड़ के बताती हूँ, ठीक है। आप ये देखो, देखे आप दिख रहा कितना सॉफ्ट है अंदर। ये देखो, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग याद रखना जो मैंने बताई हूँ। क्या थोड़ा नाइफ ऊपर एक एक पिक करके फिर वड़ों को पलट दो, ऐसे छाछ वाले पानी में इसको भिगो दो। ये देखो अभी मेरे वड़े ठंडे हो गए। अभी सबसे लास्ट बात आपको बताना है कि मुझे तड़का देना है इसका, और जो तेल बच गया है ना इसको मैं कम कर लूँगी और इसी में मैं तड़का देती हूँ, ठीक है। मैंने 2 to 3 tablespoons ऑयल रख ली हूँ जिसमें हमने फुल्की फ्राई करे थे। अब यहाँ पर फुल्की रेडी है, यहाँ पर मैंने फ्रीज़र से दही निकाल कर रेडी रखी हूँ। अभी हम तड़का किस चीज़ का देंगे, राई, ज़ीरा, हरी मिर्ची चिरी हुई और बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता कटा हुआ, ठीक है। चलो ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम राई डाल देंगे, सॉरी ज़ीरा डाल दिए, फिर हम राई डाल देंगे। अच्छा अच्छे से फूटना चाहिए राई को, क्या एकदम कच्ची नहीं रहना चाहिए राई। इसके अंदर हमें भी कड़ी पत्ता डालेंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको थोड़ी देर हम फ्राई होने देंगे। जो शुगर वगैरह सब नीचे बैठी रहती है, हम फुल्की डालने से पहले सब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी रोज़ा बोल के हम चेक नहीं कर सकते, अगर हम रोज़ा नहीं रहेंगे तो हमको चेक कर लेना है कि मीठा खट्टा नमक सब बराबर है या नहीं, ठीक है। और जो मेरा बघार हो रहा है, अभी हम क्या करेंगे आहिस्ते आहिस्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एकदम लो स्लो, जो आपको तोड़ के बताई थी वो एकदम आहिस्ते आहिस्ते हम इसके अंदर फुल्की डालते जाएंगे। ये देखो आपको मैं एक एक चीज़ ताकि आप लोग बनाएं तो एकदम परफेक्ट बने और मुझे बताना कि कैसी बनी थी बोलकर। आप मुंह में रखेंगे तो मेल्ट हो जाएंगे, इतनी अच्छी फुल्की बनती है ये। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमान एक एक करके डाल दी मैंने, अब इसको आहिस्ते से ये है ना। अभी जो बाकी है वो बाद में डालती हूँ मैं पानी में डीप है। अब इसका आपको तड़का बता रही हूँ, ये देखो मेरे ज़बरदस्त लग रही है, यानी आप ही बताओ। जितनी दिखने में ज़बरदस्त है ना उतनी खाने में भी ज़बरदस्त है। कितनी सारी बन गई, 1 kilo दही में और 7 tablespoons बेसन। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो 1-2 tablespoons आप बढ़ा सकते हैं। देखो कितनी सारी बन गई, आप देखो ऐसा बनाना और मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़।